इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हेल्थ संबंधी वीडियो का नया अपडेट सबसे पहले मिले। है वो कम क्यों हो जा रही है? आज की डेट की बहुत नॉर्मल समस्या है, 10 से 15% पर डे आ रहे हैं हॉस्पिटल में जिनकी प्लेटलेट्स काउंट कम है। तो आज के पूरे वीडियो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो प्लेटलेट्स काउंट है उसको कैसे नॉर्मल बनाए रखा जा सकता है ना। तो देखिए, जो प्लेटलेट्स है उसका औसत जीवन काल 8 से 12 दिन के लिए होता है और 100 ml ब्लड में नॉर्मल रेंज है इसकी 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में। तो देखिए, प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है कि मेन काम यह है कि जो ब्लीडिंग होती है कहीं पे कट जाती है तो ब्लीडिंग को रोकना, यानी स्टॉप ब्लड फ्लो। शरीर से बाहर जब ब्लड फ्लो करने लगता है तो उसको रोकता है प्लेटलेट्स, यही इसका मेन काम है। प्लेटलेट्स के कम हो जाने को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द कंडीशन व्हेन ब्लड प्लेटलेट्स डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्मल रेंज। दिक्कत क्या है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट 80,000 से कम हो जाने पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और स्किन के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, तो यानी आर्टरी वेन से ब्लड निकल करके स्किन में डिपॉजिट होने लगता है, तो यही मेन दिक्कत है। तो आज की वीडियो हम लोग यही देख लेते हैं कि जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कम क्यों हो जा रही है। तो देखिए, प्लेटलेट्स काउंट कम होने के 2 रीजन हैं, एक तो शरीर में कम बने प्लेटलेट्स और दूसरा अधिक टूटे। दोनों रीजन की वजह से प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। तो देखिए, जो पहला रीजन है कि शरीर में कम प्लेटलेट्स बनना और दूसरा रीजन है अधिक टूटना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि शरीर में कम प्लेटलेट्स बनने का क्या कारण है। तो देखिए, कम प्लेटलेट्स बनने के प्रमुख कारणों में क्या है कि डिहाइड्रेशन, पानी का लॉस हो जाए शरीर में, दूसरा विटामिन B12 डिफिशियंसी, तीसरा फोलिक एसिड डिफिशियंसी और चौथा फैटी लीवर या फिर कोई लीवर डिसऑर्डर हो। तो देखिए, कम बनने का प्रमुख कारण ये है ना, और अधिक टूटने का प्रमुख कारण क्या है? डेंगू फीवर और जीका वायरस। तो जो डेंगू फीवर है और जीका वायरस है, इस वजह से भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। तो देखिए, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए, चाहे जिस कारण से कम हो, अधिक टूटने की वजह से कम हो या फिर कम बनने की वजह से कम हो जाए ब्लड में, 1.5 लाख से 4 लाख के बीच नॉर्मली होना चाहिए। अगर उससे कम हो जा रही है तो स्थिति भयावह हो सकती है अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए। तो आज की डेट में देखा जाए तो कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका डेंगू टेस्ट नेगेटिव है, यानी डेंगू का उनके ऊपर अटैक फीवर नहीं है, डेंगू फीवर नहीं है, लेकिन फिर भी उनका प्लेटलेट्स काउंट कम है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए देखिए घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं कि प्लेटलेट्स नॉर्मल आ जाए, बकरी का दूध पिए, उसमें जो फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं बकरी के दूध में, तो बकरी का दूध पिए, जितना पी सकते हो बॉयल करके पिए उसको। और दूसरा क्या कर सकते हैं, पपीता और सहजन की पत्तियों का जूस समान मात्रा में पिए, यानी आधा गिलास पपीता का जूस मिला लें और आधा गिलास सहजन की पत्तियों का जूस, बहुत काम का है, आप इसको हल्के में ना लें, पपीता और सहजन की पत्तियों का जूस। इसमें बहुत काम के केमिकल हैं, विटामिन मिनरल साल्ट कई हैं जो कि प्लेटलेट्स की काउंट को नॉर्मल करेंगे। और गिलोय का रस पिए, जो गिलोय है ना, जिसको इंग्लिश में टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया और ये आयुर्वेद में गिलोय, और इसी गिलोय से होम्योपैथी में एक मेडिसिन बनी है उसका नाम है टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया। तो देखिए, नॉर्मल करने की होम्योपैथिक दवा क्या है, यूपिटोरियम परफोरेटम क्यू, इसका मदर टिंचर ले लीजिए, 10-10 बूंद 1 कप पानी में मिलाकर 3 टाइम पीजिए। दूसरी दवा है टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया, यही गिलोय है एक ना, जो गिलोय है उसी से बनी दवा है, तो इसका भी 10-10 बूंद 1 कप पानी में डालकर 3 टाइम पिए। और तीसरी दवा है ट्राइनाइट्रोटॉल्विनम 200, डेली सुबह
डेली 4 टाइम आप इसकी लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। तो इस तरह से जो आपका प्लेटलेट्स काउंट है वो नॉर्मल हो जाएगा और आपकी आने वाली समस्या यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। तो इन सब घरेलू उपाय से प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल जरूर होते हैं, आप इसको जरूर करें, आजमाए हुए नुस्खे हैं। और आप ये जानकारी दूसरों को भी बताएं ताकि प्लेटलेट्स की जो समस्या है वो जल्दी साल हो सके लोगों की। तो आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू, धन्यवाद।